हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे कि इनवॉइसेस में क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जो उनको करने होते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी सीखेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट पर्पस से जब हम कोई गुड्स बाय करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ टॉप पर एक इन्वॉइस देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक इन्वॉइस है, टैक्स इन्वॉइस, टॉप पर लिखा हुआ भी है टैक्स इन्वॉइस, जो कि एक ई इन्वॉइस है। देखिए, जब भी आप किसी से गुड बाय कर रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि क्या उस पार्टी के ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी बनती है या नहीं बनती। देखिए, उसके लिए मैंने, आप वीडियोस में जाकर देखेंगे, मैंने काफी वीडियोस बनाई भी हैं कि कैसे चेक करें कि आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या इस पार्टी ने ई इनवॉइस नहीं बनाया है। अगर तो क्या इसके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी? अगर थी तो इसने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखो, अगर किसी के ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है और वो इनवॉइस आपको नहीं दे रहा है जनरेट करना, तो ऐसे केस में वो जो इनवॉइस है वो वैलिड ही नहीं होगा। ये समझो जो इनवॉइस दिया वो इनवैलिड है, आप उसका इनपुट भी नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो मेरे केस में ये जो पार्टी है इसने मुझे ई इनवॉइस दिया है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी से गुड बाय की है और वो आपको बिना इनवॉइस के कोई इनवॉइस दे रहा है तो आपको चेक कर लेना है कि क्या उसके ऊपर इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी थी या नहीं। नंबर एक। उसके बाद हम बाकी की चीजें देखते हैं, पर उसके बाद इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है जिस पार्टी ने मुझे इनवॉइस दिया है, तो मुझे जाकर पोर्टल में देखना है कि क्या ये पार्टी रेगुलर रिटर्न फाइल कर रही है या नहीं कर रही। कई बार क्या होता है कुछ वेंडर्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, आप समझ रहे मेरी बात। ऐसे केस में हमें, हमारे को ये नुकसान हो सकता है कि भाई उसका क्लेम ना कर पाए, क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो हम उसका इनपुट नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो ऐसे केस में उस बंदे का आप जब पेमेंट करें उसका इनपुट होल्ड कर लें, यानी कि उसका टैक्स अमाउंट होल्ड कर लें, उसको टैक्स की पेमेंट ना करें, उसको खाली टैक्सेबल अमाउंट ही रिलीज करें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनवॉइस चेक करना है, उसके बाद चेक करना है कि पार्टी जो है वो उसका जीएसटी नंबर एक्टिव तो है, डीएक्टिवेटेड तो नहीं है, या दूसरी चीज कि जो पार्टी से हम गुड्स खरीद रहे हैं वो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रही है नहीं। उसके बाद यहाँ प्लीज अप्लाई वगैरह आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जो इनवॉइस नंबर है देख लेना है कि 16 डिजिट से ज्यादा तो इनवॉइस नंबर नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी पोर्टल है वो 16 डिजिट से ज्यादा, 16 डिजिट से ज्यादा इनवॉइस नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में अगर वो आपको 16 डिजिट से ज्यादा का इनवॉइस दे देता है तो आप उसको रिकॉर्ड तो कर लेंगे अपनी बुक्स में, बट जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो उस केस में इनवॉइस रिप्लेस कर देगा इनवॉइस नंबर, यानी कि कोई दूसरा इनवॉइस नंबर डाल देगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद आप अपनी बायर डिटेल्स पूरी तरह से अच्छे से चेक कर ले कि आपका नाम पक्का, आपका एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, स्टेट क्या प्रॉपर डला है या नहीं डला। जीएसटी नंबर को आप बिल्कुल आराम से चेक कर लें, क्योंकि होता क्या है कई बार पार्टीज क्या है, जैसे ये इनवॉइस का केस है इसमें तो कोई टेंशन नहीं, नॉन ई इनवॉइस केस में क्या होता है जीएसटी नंबर पे डिजिट इधर उधर डाल देते हैं, कई लोग मैनुअल बिलिंग करते हैं, तो इस केस में होता क्या है वो आपको बिल बना के दे देते हैं, जब रिटर्न फाइल करने की बारी आती है उनके जो या चार्टर्स समझ नहीं आता कि भाई ये जीएसटी नंबर क्या है, तो लास्ट मोमेंट पे वो क्या करते हैं ऐसे बिल को पीटीटी कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि की कैटेगरी में डाल के रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब आपका नुकसान क्या होता है, ऐसे बिल का क्लेम नहीं कर पाते, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जिससे बिल का जब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होगी तो आपको टैक्स अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बट ध्यान रखना है। के बाद जो आप आइटम्स खरीदे उसका यहाँ एचएसएन कोड वगैरह देख ले, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई ई इनवॉइसिंग कर रहा है इसका मतलब कि अभी की जो करंट की डेट में मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी क्या है जो ई इनवॉइसिंग का क्राइटेरिया है वो 5 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों की सेल है उनको ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। तो 5 करोड़ से ज्यादा की जिसकी सेल है उसको कम से कम अपनी बुक्स में, यानी कि इसमें एचएसएन में कम से कम 6 डिजिट एचएसएन शो करने जरूरी है। तो ध्यान रखें कि वो 6 डिजिट एचएसएन कोड डाल रहा है नहीं डाल रहा है, कई लोग 2 ही एचएसएन कोड डाल देते हैं, एचएसएन कोड प्रॉपर देखे कि एचएसएन कोड प्रॉपर है या नहीं, ठीक। उसके बाद यहाँ जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपके लिए, आपको कैलकुलेशन वगैरह देखने दी कि कैलकुलेशन प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, कोई गलती तो नहीं है। फिर यहाँ आपको चेक कर लेना है जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं और ये पार्टी भी दिल्ली की है, जो आपको देखिए इसका जीएसटी नंबर 0764 है और आप भी दिल्ली के, क्योंकि आपका स्टेट दिल्ली, तो ऐसे केस में वो सीजीएसटी लगा रहा है देन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो आईजीएसटी लगा रहा है तो उसके पीछे भाई ये बिल तो उसने गलत बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो रेट्स वगैरह आ रहे हैं ये पूरी तरह से वेरीफाई कर ले, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर ये जो बिल्स आप खरीद रहे हैं गुड्स वगैरह, ये प्रॉपरली साइंड और स्टैम्प होना चाहिए, एटलीस्ट साइन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो डिजिटली साइन हो या नॉर्मल साइन। अब मैं बात करता हूँ, देखिए तो हमारे चेक पॉइंट जो आपको चेक कर लेना। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से बात करूं कि जब आप कोई गुड्स बाय करते हैं तो साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए कोई गुड्स आप दूर से मंगा रहे हैं, कई दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं, या गुड्स एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अमाउंट आ रहा है जो कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता, तो उस केस में आपको चाहिए कि इनवॉइस तो होगा, साथ ही साथ उसका ईवी बिल होगा, और साथ ही साथ आपको उसमें बिल्टी भी लगानी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बिल्टी भी लगानी है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप बियर कर रहे हैं, ईवी दे रहे हैं, तो उसके लिए जो उसने इनवॉइस क्रिएट किया है वो भी आपको लगाना है अपनी बुक्स में। अगर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है तो आरसीएम जमा कराना है, और अगर सामने वाला टैक्स इनवॉइस दे रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूर करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके वे बिल और टैक्स इनवॉइस के बेस पर आपको इनपुट क्लेम नहीं करने देगा। पीछे कैसा केस आया निकल गया जिसमें इस तरह के चैलेंजेस आए, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में इनवॉइस तो चाहिए, साथ उसका वे बिल और उसमें बिल्टी भी लगाना। बिल्टी के साथ अगर वो इनवॉइस भी दे रहा है सेपरेट तो उसको लगाना, और ट्रांसपोर्टेशन से भी एक रिसिप्ट ले लिया कि गुड के द्वारा डिलीवर की गई। तो जब ये आप पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसको कहा जाता है कि आइडल वे में आप बुकिंग कर रहे हैं, आइडल वे में अपने डॉक्यूमेंटेशन को रख रहे हैं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट कोई आस्क करेगा तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो होपफुली ये मैंने बनाई है आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, इनवॉइसेस में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, यूजफुल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.